पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। दी पारो को ये बिस्तर कम पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। दादी से बात हुई? हाँ दी, मेरी दादी के साथ बात हुई। मैंने उनको बोला कि हम पहुँच गए, लेकिन वो बोल रहे थे कि उनको थोड़ा अकेले अकेला महसूस हो रहा है। तो हो गए। दादी मुझे ये भी बोल रही थी कि वो कमीना रंजीत जेल से बाहर निकल गया थी। कोई बात नहीं छोड़, कौन सा वो यहाँ आ जाएगा, और अगर आ भी गया तो कौन सा हमें ढूंढ लेगा। देख क्या भरोसा उसका, वो तो है ही नीच। शालू छोड़, जाने दो उसे, भूल जाओ। हम शहर में आए नई शुरुआत करें, तो पुराना कुछ भी याद नहीं करते, ठीक है? तो सही बोल रही है, बस उम्मीद यही है कि वो हमारे पीछे यहाँ तक ना आ जाए। कितनी अजीब बात है ना, इतने सालों में चाची बिल्कुल भी नहीं बदली। वही राग लापती रहती है कि बोझ बढ़ गया है, पैसे कहाँ से आएंगे और ये सब। कोई बात नहीं शालू, इस उम्र में ना बदलना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन हम है ना, हम सब मैनेज कर लेंगे। मैनेज तो कर लेंगे हम, पता नहीं हमारी नई जिंदगी की शुरुआत कैसी होगी। सब अच्छा ही होगा शालू, क्योंकि शायद भाग्य में यही लिखा था। वरना देख ना, हम कहाँ और मिस्टर ओबेरॉय कहाँ। हमारा उनसे मिलने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन फिर भी हम मिले, और मिले तो ऐसे मिले कि उन्होंने पारो को स्कॉलरशिप भी दे दी और हमारे लिए यहाँ रहने के लिए घर भी अरेंज कर दिया। हम यहाँ आए हैं तो ज़रूर ये भाग्य में लिखा होगा, और एक तरह से देखा जाए तो हम यहाँ मिस्टर ओबेरॉय के भरोसे पे ही आए। मिस्टर ओबेरॉय हमारे गाँव में 2 बार आ चुके, एक बार जब वो रोहन को छोड़ रहे थे और दूसरी बार पारो को बचाने, लेकिन मैं मिली नहीं उनसे। तुम मिली है क्या उनसे? तूने देखा है उनको? मैं कभी नहीं मिली उनसे, कभी ऐसा सहयोगी नहीं बना कि उनसे मुलाकात हो पाए। अजीब सहयोग है, हम दोनों ने उनसे एक भी बार मुलाकात नहीं की। आई एम सॉरी मलिष्का, मुझे लेट मीटिंग रखनी पड़ेगी। नो, इट्स टोटली फाइन, आई अंडरस्टैंड। अब मैं जानती हूँ कि तुम इतना बिजी रहती हो, आफ्टर ऑल यू आर द बेस्ट इवेंट मैनेजर। परसों मेरी एनिवर्सरी है एंड आई वांट टू ऑर्गेनाइज। ओह सो सॉरी मलिष्का, एक्चुअली मुझे तो परसों ही फ्लाई करना है, राजस्थान जाना है। 10 दिन का प्रोग्राम मैनेज करने का ऑफर आया, तो बस उसी के बारे में बात करने जाना। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आई वांट टू डू इट, मतलब कि तुम ही करोगी। अरे बट नो। अच्छा लिसन, तो मुझे ये बताओ कि उस 10 दिन के प्रोग्राम के लिए तुम कितना चार्ज कर रही हो? वो मैं तुम्हें दे दूंगी ना अमाउंट, इससे तुम्हारा लॉस भी नहीं होगा। बट मेरी एनिवर्सरी पार्टी तुम ही ऑर्गेनाइज करूंगी, एंड दैट्स फाइनल। मुझे मेरी पार्टी ग्रैंड चाहिए, ठीक है? एक बार तुम घर देख लो। टीचर ने स्कॉलरशिप से मिले घर में रहने से मना कर दिया, वो अपने रिलेटिव के घर चली गई। पर टीचर का यहाँ कोई रिलेटिव भी है आइडिया नहीं था, बट इट्स गुड। बट अभी क्या करूं, बात करूं टीचर से? ये टाइम सही रहेगा क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो, ये सही टाइम है। रहने देता हूँ, सफर करके आई हैं, थक गई होंगी। लेट हर रेस्ट। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। बिल्कुल नहीं, अब चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पारो वो क्या है ना, बहुत सालों हो गए घर में बच्चे की आवाज़ नहीं थी, तो इसलिए आदत नहीं है ना। अब तू धीरे धीरे से बात कर। स्टॉप हो जा, सही से आशीर्वाद तो दे दो। अरे आशीर्वाद दे तो दिया, अच्छे से पढ़ाई करना और क्या। और ये भी तो बोलो कि स्कूल में फर्स्ट आना। अरे भाई चुटकी तो सच में पूरी दादी है, मैं दादी है। स्कूल में फर्स्ट कम होना हमेशा, ठीक है? आई गो। हाँ हाँ, गो गो गो। अब मिलिए ना चाची को सही वाली दादी अम्मा, ये सही से रखेगी चाची को, देखना। चुप हो जा। और पारो सुन, वो बड़ी है, उनसे ऐसे बात नहीं करते है ना। पा, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? हाँ तूने कुछ गलत नहीं बोला, अब चले। हाँ हाँ, बाय पारो। बहुत ज्यादा मस्ती, मत करना मत करना। डैड, अब से पारो भी मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ेगी।
वो तो रोज ऑटो से जाएगी, पता नहीं कहाँ रहती है, तो क्या हम उसे लेने जा सकते हैं? Yes, of course, लेने जा सकते हैं, बट आज पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि पारो ऑलरेडी स्कूल के लिए निकल गई होगी। तो एक काम करते हैं, आप कल टीचर से एड्रेस पूछ लेना, तो हम कल से लेने जाएंगे उसे, ओके? पर डैड, वो तो न्यू है इस शहर में, उसे कुछ पता भी नहीं होगा। तो टीचर को तो पता होगा एड्रेस, उनसे पूछ लेना, ओके? गुड आइडिया डैड, आप ना उसके लिए चॉकलेट ले लेना, उसका पहला दिन है ना स्कूल का, इसलिए। तो ठीक है, काम करते हैं, पहले चॉकलेट लेने चलते हैं, उसके बाद आप भूलना मत टीचर से एड्रेस पूछना, ओके? ओके। फैमिली के साथ आना है, ठीक है? ऑफ कोर्स, बहुत तैयारियां की है मैंने, इस बार की पार्टी ब्लॉकबस्टर होगी, धमाकेदार। तुम बस टाइम पे आना, ओके? बाय, सी यू। वाओ भाभी, लगता है एनिवर्सरी की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है। मामी बता रही थी कि सब कुछ आप ही प्लान कर रही है। देखिए, आपको कोई भी हेल्प चाहिए ना तो मुझे बता देना। थैंक यू अनुष्का, कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं जरूर बताऊंगी। बाय द वे, मैंने बेस्ट इवेंट प्लानर हायर की है, वो सारी तैयारियां कर रही है, सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बाय द वे, मैंने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट करना भी स्टार्ट कर दिया। वाओ भाभी, लगता है इस बार की पार्टी तो बहुत ज्यादा ग्रैंड होने वाली है, यादगार। ऑफ कोर्स, यादगार तो होगी, अब तक की सारी एनिवर्सरी पार्टीज लोग भूल जाएंगे। नाइस भाभी, लेकिन अब तो आप किसी लक्ष्मी को याद नहीं करती ना? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। कैसी मजबूरी है पापा जी, मैं चाहकर भी आपके साथ रह नहीं सकती और एक बेटी होने का फर्ज भी निभा नहीं सकती। जल्दी से ठीक हो जाओ। तू फिक्र मत कर हीर, मैं अंकल जी का पूरा ख्याल रखूंगी। तू जाके अच्छे से अपना काम खत्म कर। Thank you.
शिव जी तो फिर बच गया आज, और जेसिका ने उसे बचा के मेरे साथ धोखा किया, इसलिए सबसे पहले जेसिका मरेगी, उसके बाद जीता और फिर ही। और इस बार ऐसा प्लान बनाऊंगा जिसे समझना तो बहुत दूर की बात, उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं पाएगा। मुझे यशिका की एक एक हरकत की खबर चाहिए, क्योंकि अब सबसे पहले हम यशिका को ही मारेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। I'm sorry पापा जी, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। चाय पी लो हीर जी, अच्छा महसूस करोगे। जीते लेकिन पापा जी। अब ठीक है, चिंता मत कीजिए। काश मैं उनका ख्याल रख पाती, ये पापा जी इस हाल में, और मैं उन्हें कितना खुद को बेबस महसूस कर रही थी, मैं तुझे बता नहीं सकती। इस वक्त पापा जी को उनके बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत है, वही उनकी मदद नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है जी, एक बात आप अच्छे से समझ लो, हम दोनों अलग अलग नहीं है, हमारा ब्याह हो चुका है। आप पापा जी का ख्याल रखो या मैं, वो बात तो एक ही है ना, इसलिए कह रहा हूँ आपसे, आप चिंता मत कीजिए, हम सब हैं उनका ख्याल रखने के लिए। कुछ टाइम की तो बात है, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा, पापा जी भी हैं और आप भी। अच्छा वैसे ही जी, आगे का क्या प्लान है? अब तो मैं भी आपके प्लान में शामिल हो चुका हूँ, हमें जल्द से जल्द जर्नैल का पर्दाफाश करना होगा, ये रोज रोज का ड्रामा ही खत्म करना होगा। उसके बाद आप घर वापस आ जाओगे, लेकिन हाँ इस बार यशिका बन के नहीं, मेरी हीर जी बन के, मेरी बोटी बन के, मैं और देर आपसे दूर नहीं रह सकता। जीते, भले ही हमारे प्लान कामयाब नहीं हुए, लेकिन नाकाम भी तो नहीं थे ना, भले ही जनरल को लगता है कि मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन वो ये तो मानता है कि मैं यशिका हूँ और यशिका हीर, बस उसकी इसी गलत फहमी का फायदा उठाना है और उसे सबके सामने लाना है, उसे पकड़वा के पुलिस के हवाले करना है, और जैसे आज तूने उसे देखा, सब भी उसे देख लेंगे ना, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन हीर जी, हमें और ज्यादा होशियार रहना होगा, आपको याद है ना उसने हमारी शादी वाले दिन क्या किया था, फिर से वैसी हरकत कर सकता है। शादी? तुम दोनों की शादी? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। आपने मेरी आई के लिए इतना दर्द क्यों सहा? तुमने भी तो मेरी मॉम के लिए मुझसे इतना आर्ग्यू किया, तुमने मुझसे कहा कि बात की तह तक जाना होगा, सच ढूंढना होगा, सारे प्रूफ निकालने होंगे, और वही हो, हमें पता चल गया कि मेरी मॉम इनोसेंट है। तुमने मुझसे जो वादा किया तुमने उसको निभाया, बस मैं ही अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मैंने कहा था कि भवानी आंटी का ख्याल रखो, कौन है ये दुख नहीं पहुंचने, और मैं कुछ नहीं कर पाया। आपने मेरी आई के लिए जो किया है ना, वो जरूरत से ज्यादा है। बात
क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहते। आपने कहा था हमारा झगड़ा हो जाएगा। जब मैंने ऐसा कहा था और तुम इस बात को जानती हो तो मत करो ना पास्ट की बात। नहीं, इस मामले में मैंने आपकी बात सुनी भी है, लेकिन मेरी ना एक प्रॉब्लम है। एक? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मेरे दिल में कोई बात आ जाती है ना तो फिर दिल में नहीं रहती, मैं कह के रहती हूँ। I know. कहो क्या कहना। आपने अभी आपने आज कहा ना कि औरत और मर्दों की हर चीज में बराबरी होनी चाहिए, के अधिकारों में उनके सम्मान में बराबरी होनी चाहिए, फिर उनके एहसासों की बराबरी क्यों नहीं होती। जिस दर्द से आप गुजर चुके हैं मेरे आई के दर्द से कम तो नहीं है ना, उस दर्द को किसी के भी दर्द से कम नहीं आंका जा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको तकलीफ कम हुई होगी क्योंकि आप मर्द हैं। दिल तो ये देखकर नहीं टूटता ना कि वो मर्द का है या औरत का। दर्द तो दोनों को एक बराबर होता है। मुझे पता है आप हीरो हैं और हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाकर लोगों की ढाल बनना चाहते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन एक हीरो के लिए भी जरूरी होता है कि वो कभी कमजोर पड़कर किसी को गले लगाकर अपना दर्द बांटे। आप लोगों के गले लगकर उनका दर्द बांटते हैं, मतलब आपको इतना तो पता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दर्द बांटने से कम होता है। आपको भी किसी को गले लगाकर अपना दर्द बांट लेना चाहिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओए, जाना है कितने? हाँ हाँ बेबे, वो ऑफिस का ना एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है मुझे, जल्दी से खत्म करके आया। अरे मैं इतने दिनों के बाद। जल्दी आ। अरे मेरी बात तो सुन ले विराट। विराट कमाल है ये लड़का, मुझे छोड़ के चला गया, मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, मेरे साथ बात नहीं कर रहा है। ऐसी कौन सी बात हो सकती है, मेरे से इम्पोर्टेंट कोई हो सकता है? कविता, कविता इधर आ। क्या हुआ बेबे, सब ठीक तो है ना? बिना सवाल किए मेरी बात सुन, जा देख विराट कहाँ गया है, मुझे जानना है कि वो कितने गया है, जा उसको फॉलो कर जरा। पर मैं ही क्यों बेबे, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे किसी की जासूसी करना। तू जाती है या मार खाएगी? नहीं नहीं, जाती हूँ मैं, जाती हूँ। हाँ तो जाना, पता कर इस वक्त कौन सा जरूरी काम आ गया है उसको। मैंने इधर उसकी माँ की बात की है और उठकर चला गया है, अब जाएगी या मेरा मुंह ही देखती रहेगी। जाती हूँ जाने, जाती हूँ। अच्छा ये लड़की क्या बोल रही थी आई, उसे मेरे लिए लड़का चाहिए, वो भी कहाँ रह गया विराज? आज तो टाइम रहते सब पता चल गया, इसलिए बच गए, पर आगे की प्लानिंग भी करना जरूरी है, पकड़े तो नहीं जा सकते। अगर ऋषिका पे मेरा शक सही है तो ये जरूर अपने आगे की प्लानिंग ही कर रही है, पर यहाँ इंतजार किसका कर रही है?
ओ गॉड, अमृत और विराट कहीं अभी को देख ना ले। क्या करूं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। ऐसे क्यों हो रही है तुम? कहीं नहीं मिल रहे, वॉशरूम में भी नहीं है, वो कहीं नहीं मिल रहे। मुझे पता है मिल नहीं रहे, पर मिल जाएंगे, इसमें रोने वाली बात थोड़ी ना। तुम नहीं समझ रही हो ब्रियो, ऐसा कभी नहीं किया पहले, कभी भी नहीं। वो हमेशा मुझे बता के जाते, पर इस बार मंडप में सबके सामने मुझे अकेला छोड़ के चले गए। मुझे छोड़ के चले गए, वापस नहीं आएंगे। जो सोच रही हो ना, ऐसा मत सोचो, गलत सोच। I'm 100% श्योर ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो, समझी? हमने सब जगह ढूंढा ना, बाहर कॉरिडोर, वॉशरूम, कहीं नहीं है। तुम्हें पता है ना, वो इधर पहले घबरा रहे थे। तुम गई थी ना उनसे बात करने के लिए, तुम्हें पता है ना, वो छोड़ के चले गए। नहीं, वो इस बार वापस नहीं। पर वापस आ भी गए थे ना मेरे बात करने के बाद। इस बार नहीं आएंगे ब्रो, ना शायद मंडप में रियलाइज हो गया होगा कि मुझसे शादी नहीं कर सकते। मेरे के मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते, और इसीलिए मुझे छोड़ के चले गए। इस बार वापस नहीं आएंगे। नहीं नहीं ताशु, नहीं चले गए मुझे छोड़ के। नहीं जाएंगे वो, चुप रहो, एक शब्द नहीं बोलना, चुप रहो। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो, और वो भी किसके बारे में बोल रही हो? मिस्टर के के, इधर देखो। मुझे किसने बताया था कि वो बहुत अच्छे हैं, हमेशा सबके बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में सोचते हैं? तुम्ही ने बताया था ना कि एक बहुत अच्छे इंसान है। वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो, तुम्हारे परिवार को प्रॉब्लम हो। और ये भी तुम्हें अच्छे से पता है कि शादी वो क्यों कर रहे हैं, पता है ना तुम्हें? मेरी इज्जत बचाने के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, वो उन जैसे लोगों के लिए, क्या नाम है उसका, अमर दयाल जी, समाज के लिए। और वो भी तब जब ऑलरेडी तुम्हारी शादी हो चुकी, दोबारा कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए, उनके रेपुटेशन के लिए। तो जो इंसान इतना सोचता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, वो ऐसे चला जाएगा तुम्हें बिना बताए? ऐसा करेगा वो? बताओ मुझे, हाँ गलत सोच रही हो तुम। अच्छा अब तुम्हें क्या करना है? व्हाट डू यू वांट टू डू? यहाँ बैठना है, रोते रहना है, ढूंढना नहीं है उन्हें? ढूंढना है तो क्या कर रही हो, पागल हो गई? उठो, गेट अप, उठो, चलो ढूंढते हैं, यही होंगे, मिल जाए, ठीक है? थैंक यू प्रिय, थैंक यू सो मच, मुझे हर बार संभालने के लिए और हमेशा मेरा साथ देने के लिए। और मैं हमेशा संभालूंगी तुम्हें, हमेशा ऐसे ही साथ रहूंगी, मेरा वादा है तुमसे। चलो तुम्हारे दूल्हे को ढूंढते, चलो। पागल हो बिल्कुल, पता नहीं ये लोग काम कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सर, इस बार जिनको काम दिया है पेशेवर है, वो जरूर किडनैप कर लेंगे उस लड़की को। सर, इस बार उस लड़की को क्या, जिसको बोलो उसको उठा लेंगे सर, दोनों अपने काम में माहिर है। हाँ हाँ सर, बहुत सुना है इनके बारे में, एक बार जो काम हाथ में ले लिया समझो हो गया। सर आपको याद है कुकरेजा, सबसे बड़े होटल के मालिक, उसके बेटे को उठाया था सर? हाँ हाँ सर, उठाया था, वो भी उनके घर से। सर अब तो समझ लिया आपका काम हो ही गया। हलवा, जो तू कह रहा है अगर ये बात सच निकली ना तो 5 साल के लिए मेरी कुर्सी फिक्स हो जाएगी। और इन 5 सालों में मैं उस गजेंद्र का पॉलिटिकल करियर ही खत्म कर दूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इतिहास के पन्नों में मेरा नाम लिखा जाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। क्या हुआ? नहीं, वहां नहीं हूँ। वहां भी नहीं थे, ऐसे कैसे जा सकते? अभी तो यहाँ थे, फिर अचानक से कहाँ गायब हो गए? पता नहीं, इनफैक्ट मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। हाँ टेंशन की बात तो है, किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। अब एक बात बताओ, जाने से पहले उन्होंने तुम्हें कुछ बताया क्या कि वो स्ट्रेस में हैं या परेशान हैं किसी बात से, या कुछ ऐसा बताया हो कि वो कहीं जाना चाहते हैं? मैंने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। कैसी बेटी हो तुम, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे डैड कहाँ हैं? वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं ना, ऐसे क्या देख रही? हाँ
हाँ तो वही पूछा मैंने कि कहाँ है वो। मुझे कैसे पता होगा कहीं चले गए, मुझे तो यही लगेगा ना यहीं पे होंगे या फिर कहाँ अपने रूम में जाएंगे, ताशु जी के पास होंगे, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। ना फोन भी यहीं छोड़ गए तो उनसे बात भी नहीं हो सकती। काफी स्ट्रेंज है, अपना फोन ऐसे क्यों छोड़ गए? इतना तो मैं भी उन्हें जानता हूँ कि वो अपना फोन नहीं छोड़ेंगे ऐसे, क्योंकि शादी के मंडप में भी वो फोन लेके बैठे थे। तुम्हारा मतलब क्या है, मतलब क्या लग रहा है तुम्हें, कुछ लग रहा है क्या? मैं बस ये कह रहा हूँ कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। दिख रहा है? एक मिनट, तुम प्लीज साफ साफ बोलो क्या लग रहा है तुम्हें। तुम आओ मेरे साथ। कहाँ? मैं समझ में नहीं आता, आओ। तब इधर उधर हो गया, सब ठीक करना पड़ेगा। वो ही गया लगभग, हाँ बस वो ही ठीक करना बाकी था। अरे हम लोग ये सब करे लेकिन मेहमानों का ध्यान कौन रख रहा है? अरे मैंने बोल दिया था उन्हें। एक काम करो, वेटर को बुला लो फटाफट से, मैं बोल देती हूँ अपनी तरीके से, नहीं तो ये लोग ना समझेंगे नहीं। भैया सुनो सुनो, इधर आओ जल्दी जल्दी जाओ और जाके ना सबका ध्यान रखना, देखो सब कुछ। एक मिनट, ऐसे नहीं, हमें साथ में चलना पड़ेगा नहीं तो इसे समझ नहीं आएगा। अरे किसी को भेज दो ना उधर। हाँ तुम एक काम करो, वहाँ जाओ और तुम्हारे दो बंदे हैं ना उनको बाद भेज दो, देखना सब ठीक है कि नहीं, और देखना किसी को शिकायत ना आए। हाँ ध्यान रखना सबका, जल्दी जाओ जल्दी। देखो ना मामी, क्या से क्या हो गया, पहले शादी रुक गई और अब दूल्हे का ही कोई आता पता नहीं है। मैंने सुना है कि ये सब चीजें शुभ नहीं होती है ना। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ केके बिना बताए अचानक से चला गया, दिल तो घबराएगा ही ना, इसलिए सब टेंशन में है। अरे दिल तो घबराएगा ही ना, शादी वक्त दूल्हा गायब हो गया और बेचारी ताशु, उसके माँ बाप, उन बेचारों का क्या हाल हो रहा होगा। हाँ ताशु कितनी स्ट्रेस में है बेचारी, और उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी ये तो हम सोच भी नहीं सकते। मैं तो यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी केके मिल जाए। हाँ सब ढूंढ ले उसे जैसे तैसे, बस माता रानी। मैं भी बस ये प्रार्थना करती हूँ माता रानी, जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। वो ताशु बिचारी अब कुछ ऐसा होगा ना वो सह भी नहीं पाएगी, ऊपर से दुल्हन बनी हुई है और देखो क्या क्या हो रहा है उसके साथ, जबकि पता है आपको शादी के टाइम पे ना अच्छी अच्छी यादें होती है, उसके लिए क्या यादें ये। नहीं नहीं माता रानी सब ठीक, उसे ठीक कर दे। हाँ वो कर दे, वो पाटला वो रह गया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मैम आपका BP बहुत लो है। ये तो हमें पता ही है, पल्कि ने तो पहले बोल दिया था देख के। नहीं आपको पता है वो भी ना बहुत बड़ी डॉक्टर है, और इनकी होने वाली बहू बहुत अच्छी लड़की है। बहुत तारीफ कर रही हैं मैम आप। क्यों ना करूं तारीफ भाई, वो है ही तारीफ के काबिल। मैं तो बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मैं पल्कि की बुआ हूँ। देखो मेरी सहेली प्रीता का वो कितना ध्यान रख रही है, सब लोगों ने कहा लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन पल्कि ने बोला तो वो एडमिट होने के लिए रेडी हो गई। कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी। ठीक हो राजवीर? ठीक है जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समंदर जितना अपनी आँखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हूँ, मैं दिल से
दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। इधर बैठो। ये चोट कैसे लगी? क्या कर रहे थे? आपको क्या लगता है, मंदिर में ये प्रार्थना कर रहा था इसलिए ये चोट आई है? नहीं, हमारे आगे स्मार्ट बन रहा था इसलिए ये चोट आई है इसे। एंड प्लीज इसके लिए कोई सिंपथी मत रखना, कोई अच्छा शहरी नहीं है ये, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। हमें तो कानून के हिसाब से चलना पड़ता है, इसलिए इसे मैं यहाँ ले आया, वरना मैं तो इसे ड्रेसिंग के लिए भी हॉस्पिटल ना लाऊं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, मुझे जल्दी से निकलना होगा, आगे कैसे जाऊँ? मुझे अंदर जाना होगा। आरोही कहाँ रह गई? तो उसे आ जाना चाहिए था। मॉम, मॉम आप ये सब क्यों कर रही? देखिए आप अच्छे से जानती हैं कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ पलकी, आई डोंट लाइक हर, बट आपने ऐसा क्यों कहा कि वो आपकी दुश्मन है? आई एम रियली शॉक्ड। ओह नो, दैट मींस शौर्य को पता चल गया कि पलकी पर मैंने किया। शौर्य सी, आई लव यू ना, आई लव यू वेरी मच। मैंने जो कुछ भी किया, तुमने जो कुछ भी देखा, सबके पीछे एक रीजन है, एंड आई कैन एक्सप्लेन। शौर्य मॉम लिसन, आपको मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सच क्या है मैं जानता हूँ, आप मुझे बस वो रीजन बता दीजिए कि आपने ये सब क्यों किया, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैंने वही देखा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हील को मैंने कहीं देखा है। कहां?
कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा है। धर्म संकट में फंसी शक्ति हर तरफ मची हाय हाय, अपने पति को शांत करेगी या बहन को उसके पति के मार से बचाएगी? हाय 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 हाय, कुछ नहीं करेगी। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं मारू, छोड़ दू, कैसे छोड़ दू, ये जानते हुए कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी, ये जानते हुए कि तुम शक्ति की साई थी, ये जानते हुए कि तुम मुझे और मेरी मां को धोखा दे रही थी, नहीं मारू, नहीं, नहीं, नहीं। क्यों ना मारू तुम्हें? हील्स पहनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, बहुत पसंद है ना? डॉक्टर शिव प्लीज, पापा पापा मुझे बचाओ, तू मुझे मार देगी। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, क्यों परेशान हो रहा है? ये शक्ति है, तुम ऊपर जाकर रिमझिम को बाहर निकालो, शिव को हम संभालते हैं, जा मेरा बच्चा। शांत बेटा, शांत। भाइयों और बहनों, शक्ति पहुंची फील्ड की तरफ। क्या वो अपनी बहन को बचा पाएगी उसके पति के जुल्मों से? क्या वो दरवाजा तोड़ पाएगी? क्या वो उन्हें रोक पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हील को मैंने कहीं देखा है, कहां देखा है, कहां देखा है, कहां देखा है, याद नहीं आ रहा। ये मार्क्स देख ली, ये मार्क्स चोट है, चोट जो तुम्हारे परिवार ने मुझे दिया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर तुम नहीं गई तो पुलिस तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालेगी, वरना कश्यप परिवार की बहू को पुलिस धक्के मार के निकाल के लेकर जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना, चुपचाप चली जाना। चलो बेटा। छोड़ो हमें। रिमझिम तुम्हें याद है शादी से पहले इसने क्या कहा था? कि मैं इससे प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम आपसे क्या कहें। कीर्तन आपसे प्यार नहीं करता है। यही है मेरा पहला प्यार, पहली पसंद। मैं तो इससे शादी करना चाहता था,
इसके साथ घर बसाना चाहता था, छोटे छोटे बच्चे करना चाहता था। रिमझिम सच तो ये है कि मॉम ने ये शादी अपनी जिद से कराई, ना वो तुम्हें कभी अपनी बहू बनाना चाहती थी और ना कभी मैं तुम्हें अपनी बीवी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ शक्ति से प्यार करता हूं। मेरे दिल में तुम नहीं हो रिमझिम, सिर्फ और सिर्फ शक्ति है। शक्ति आई लव शक्ति। लेकिन इससे शादी करने के चक्कर में मेरी शादी तुमसे हो गई। लेकिन रिमझिम इसमें गलती तुम्हारी है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें ना इसकी सजा मिलेगी। दीदी के एक एक जख्म के बदले अगर तुमने 100 जख्म नहीं दी, उनके एक चीख के बदले अगर तुम्हारी 100 चीखें नहीं निकलवाई ना, तो फिर हम झिमझिम कश्यप की बहन नहीं, समझे? कीर्तन के साथ हिसाब किताब बाद में निपटाना शक्ति, क्योंकि फिलहाल तो तुम्हारा इस घर से हिसाब किताब खत्म हो गया। इस वक्त तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम जाके अपनी पैकिंग करो, क्योंकि कल वो तुम्हें लेने आएंगे और तुम्हें जाना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं गई तो पुलिस तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालेगी, वरना कश्यप परिवार की बहू को पुलिस धक्के मार के निकाल के लेकर जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। चुपचाप चली जाना। चलो बेटा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। सिर्फ डांस है तो कोई सीन मत क्रिएट कर यहां पर। मिस्टर यू, इज एवरीथिंग ऑल राइट? एब्सोल्युटली फाइन। मतलब पापा और राधा डांस पार्टनर बन गए और एक दूसरे के बहुत पास होंगे, तब तो वो पहचान जाएगी कि सामने कौन है। नहीं, क्या करूं क्या करूं।
क्या चली हवा खिल गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास और मुझे मेरा इंतजार कर रही थी ना, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। वो राधा थी, ऐसा क्यों लगा जैसे वो राधा थी? पर वो तो युग की वाइफ है। नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा, कुछ तो है। वो राधिका कोहली क्या? वो मिस्टर त्रिवेदी मोहन जी। मुझे कन्फ्यूजन दूर करना होगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका चेहरा देख कर आऊंगी। कैसे कर लेती है वैसे काबिले तारीफ डांस, इतना सुंदर डांस। मतलब सब लोग आप ही को देख रहे थे। So beautiful, fantastic. Really? Yes. आपने भी तो बहुत अच्छा डांस किया। अच्छा युग, लिसन नाउ, मैं बस अभी गई और अभी आया। Just 2 minutes, हाँ? क्या देखा, मैं यहाँ पर हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बस अभी आ रही हूँ, वहाँ बस होकर आ रही हूँ। इसे क्या हो गया? राधिका जी, नहीं मैं शैला। I'm sorry, वो मुझे लगा आप राधिका जी, वो मास्क की वजह से आप पहचान में नहीं आ रही थी तो। नेवर माइंड, बाय द वे नाइस पार्टी मिस्टर मोहन। थैंक यू, enjoy yourself. बच गए, ये तो बिल्कुल नियर मिस था। आज तो बाकी बिहारी जी ने इन दोनों को मिलवा ही दिया था, पर शायद इतने सालों से मैं उनसे नाराज चल रही हूँ, तो मुझे मनाने के लिए आज वो मेरे साइड है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बहुत देर हो गई है, अरमान अब तक क्यों नहीं आया? मुझे लगता है वो फरहान को लेकर घर आ ही नहीं सकेगा। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैं क्या सोच रही थी, पहले ही फरहान को लेकर घर में इतना बड़ा ड्रामा हो चुका है, अगर फिर से किसी ने उसे देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नानी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहा है इस वक्त तू यहाँ? बोलना क्या कर रहा है? प्यास लगी थी, वो पानी लेने आया था। अच्छा, प्यास लगी है तुझे? पानी कहाँ मिलता है? किचन में होगा ना। तू यहाँ क्या कर रहा है? उधर क्या देख रहा है? झूठ बोल रहा है अरमान तू मुझसे? नानी अम्मी मैं झूठ झूठ क्यों बोलूंगा? आपको तो पता है ना प्यास कितनी बुरी चीज होती है, कभी भी लग जाती है। बार बार सोफे के पीछे क्या देख रहा है तू? कोई छुपा है वहां पर? नहीं नहीं कोई भी नहीं है नानी अम्मी, कोई भी नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही। रुक जा, मैं खुद ही देखती हूँ। कोई भी नहीं है तो फिर? नानी अम्मी कोई भी नहीं है। नानी अम्मी देख लिया आपने? अब तो हो गई ना तसल्ली आपको, कोई भी नहीं है। तुझे पानी पीना है तो किचन में जाके पानी पी और सो जा अरमान, रात हो गई है। जी नानी अम्मी जरूर। सोच रही होगी कि अरमान ने अपना वादा तोड़ दिया। अरमान दम तोड़ सकता है लेकिन अपना वादा नहीं। नामुमकिन को मुमकिन करने वाले का दूसरा नाम है अरमान। लो मन्नत, आ गया तुम्हारा फरहान। अनबिलीवेबल, क्या चीज हो अरमान। थैंक यू सो मच अरमान, अब तुम जाओ वरना को देख लेगा। लोग अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया वालों को मार देते हैं, पर एक मैं पहला आशिक हूं जिसने अपने समीर को मार दिया। पता नहीं मन्नत को पाने के लिए और कितने गिरोह काम करने पड़ेंगे मुझे। अगर ये फरहान मेरी होने वाली बीवी का बॉयफ्रेंड ना होता ना, इसे तो मैं जिंदा ही काट देता। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों जिद पे अड़ा हुआ है? क्यों उसी लड़की से उसे निकाह करना है जो रात के अंधेरे में किसी गैर लड़के के साथ पकड़ी गई? मन्नत के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करो। हमारी होने वाली बहू है, वो सुभान उससे मोहब्बत करता है। उसी से मोहब्बत करता है। उस दो कौड़ी की लड़की ने किया क्या है सुभान के लिए? कुछ भी नहीं। और मैं हफीज, 9 महीने मैंने उसे अपनी कोख में रखा, उसे अपना दूध पिलाया, पाला पोसा, जवान किया। मैं उसके लिए कुछ नहीं। वो उससे मोहब्बत करता है, उसके लिए वो अजीज है और मैं नहीं। क्यों उस आवारा के लिए वो अपने माँ के खिलाफ जाना चाहता है? बोलिए, क्या मेरी राय की कोई कीमत ही नहीं है उसकी नजर में?
बहुत बड़ा हो गया है सुबह, बहुत बड़ा। बचपन में जब उसके लिए खिलौने लेकर आती थी तो वो उन्हें तोड़ दिया करता था, और आज आज उसने मेरा दिल तोड़ दिया। दूसरे बेटे अपनी माँ को अपनी जन्नत समझते हैं, लेकिन मेरे सुभान के लिए मैं उसकी पैर की धूल हूं। ये जिल्लत में बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे उठा ले मेरे मौला, ऐसी जिंदगी से तो बहुत भली। मैंना तुम उसको संभालो, मम्मी प्लीज उठिए नीचे से प्लीज। बेटा ये कैसी बातें कर रही हो? मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, खुदा के लिए ऐसे वर्ड्स को यूज मत कीजिए। खुदा करे आपको मेरी उम्र लग जाए। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी दुआओं की मुझे कोई जरूरत नहीं। तुम ना फरमानी करते रहो और ये सब देखने के लिए मैं जिंदा रहूं? ये दुआ दे रहे हो या बद्दुआ? मम्मी प्लीज, ठीक है बात करते हैं, आप आइए बैठिए। नहीं बैठना है मुझे। मम्मी प्लीज, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, प्लीज आइए ना प्लीज। आप तो गुस्से में ये भी भूल गई कि मैं आपका दुश्मन नहीं बेटा हूं, जो जान दे सकता है लेकिन अपनी अम्मी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी के सबसे स्पेशल मोमेंट पे आप मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे, लेकिन आप तो मेरे खिलाफ ही खड़े हो गए। मैं चाहूं तो अभी मन्नत के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ सकता हूं, लेकिन मोहब्बत में थोड़ा बुजदिल हूं मैं, मरने से डरता हूँ। सच में मम्मी, मन्नत से अगर रिश्ता टूट गया ना तो कहीं मारना चाहूँ मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।